ओ हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और ये होने वाला है एक स्पेशल ब्लॉग। क्यों? क्योंकि आज तक नॉर्मल ब्लॉग तो बहुत देख चुके होगे, लेकिन आज मैं समझाने वाला हूँ स्टार्टिंग से। जैसे पहला कॉल बुक मिलता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साइन ऑन करते हैं, उसके बाद डिटेल। अब सिर्फ समझाने नहीं वाला हूँ, ये मत सोचना कि सिर्फ मैं बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिखाते रहूँगा ये ब्लॉग। जैसे कि अभी मेरा कॉल बुक मिल चुका है, पहला पॉइंट। कॉल करते हैं उधर से, भाई ये टीन रहेगा, आपको ये जाना है, लोको पायलट ये रहेंगे, यहाँ जाना है, इतने बजे का साइन ऑन है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद खाना पीना, नहाना धोना हंगना सब करना पड़ता है, ठीक। तो भाई मैं खाना बना चुका हूँ, खा चुका हूँ, सब चीज़ कर चुका हूँ, बस रेडी होना है। जैसे कि भाई मैं अच्छे पे हो चुका हूँ, वो नहीं दिखाऊँगा, थोड़ा वल्गर हो जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ से जाने के बाद जो चीज़ मैं दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा। जैसे साइन ऑन नहीं दिखा सकता तो लॉबी तक मैं दिखाऊंगा, लॉबी में जाएंगे अभी। लॉबी में जाना होता है, साइन ऑन करना होता है, वो प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा नहा धो लूँ, समझ रहे हो ना। तो कॉल बुक आ चुका है, रेडी होना है 45 मिनट पहले, मैं रेडी होना स्टार्ट करता हूँ, मेरा ये काम है। कोई क्यों होता है बहुत देर पहले से स्टार्ट कर देता है, तो नहीं मैं वैसा नहीं करता हूँ। ड्रेस मेरा देखो, यूनिफॉर्म यहाँ पे टंगा हुआ है ये, और बैग मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको पैक करेंगे। और बैग में ज़्यादा कुछ नहीं। अभी जो फ्लैग दिखा, ये फ्लैग दिन के लिए होता है, रात के लिए टॉर्च होता है। लंच बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स रहता है, क्योंकि बहुत कुछ संभालना पड़ता है हम लोगों को, वो चीज़ इतना चीज़ लेके जाना होता है। और हाँ, कपड़ा रनिंग रूम में पहनने के लिए तो मैं ये जैसे पहना हूँ, तो इसी को पैक करके लेके चला जाऊँगा, क्योंकि रनिंग रूम में जाना होता है। तो पूरा फुल प्रोसेस समझाएंगे, अभी हमको जाना है निजामाबाद। तो चलो रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं और आगे का प्रोसेस समझाते हैं कि साइन ऑन करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, ठीक। वेट एंड वॉच। तो देखो यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो चुका हूँ, और यार रात के ड्यूटी जाने पर टाइम पर बहुत डर लगता है कि साला कहीं नींद ना आए, कुछ ना हो। लेकिन आज अच्छा है, मैं 3-4 घंटे दिन में मस्त सोया हूँ। तो बैग रेडी है हमारा, और जूता पहनना बाकी है, अब समझ रहे हैं। तो जूता पहनते हैं यार। देखो जूता पहनेंगे और यहाँ से सीधा पहुँचते हैं लॉबी। तो फेट तो देखो फाइनली साइन ऑन करने तो हम पहुँच चुके हैं, और गाड़ी भी लग रहा है वहाँ पे। तो प्रोसेस अब आगे का, जो कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं जो सीढ़ी चढ़ने में गाड़ पड़ जाते। तो देखो अब जाना है, साइन ऑन करना है मुझे, और साइन ऑन करने के बाद कुछ चीज़ें लेनी होती हैं जो बैग में प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो चीज़ मैं बता नहीं सकता हूँ। तो हाँ शायद गाड़ी रेडी है, और लेकिन हमको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमारा साइन ऑन का टाइम अभी हुआ नहीं है। तो अब जाएंगे यहाँ से सीधा साइन ऑन करेंगे और गाड़ी का चार्ज लेंगे, समझ गए। और यहाँ से निजामबाद, और आगे का प्रोसेस मैं वहाँ पहुँच के ही समझा सकता हूँ। तो चलो ज़्यादा देर लेट करेंगे तो लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। तो मिलते हैं तुम लोगों से सीधा कहाँ पे, समझ ही गए हो, निजामाबाद में, ठीक है। देखो ये जो गाड़ी अभी जा रहा है वो मेरा गाड़ी है, और हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा होगा। मैं लगभग आधे घंटे पहले पहुंच गया था, लेकिन वो क्रू का साइन ऑन टाइम नहीं हुआ था, और थोड़ा क्रू और थोड़ा लेट गया। तो अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ, लोको पायलट साहब को मैं बोला जाइए, कम से कम बेड वेड लगा मिलेगा तो फटाक से सो जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह के 4:30 बज रहा है, 4:50 हो रहा है ऑलमोस्ट। तो अब देखो क्या करना था साइन ऑन करने के बाद, और जो बीच का काम होता है वो गिनवाऊंगा मैं सुबह आराम से, क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया है और आवाज़ सही नहीं आएगा, पता नहीं क्यों ऑफ हो गया है। 40% बैटरी होने के बाद भी, तो उसको चार्ज करूंगा मैं। अभी बस इतना कि देखो जैसे ही वहां से यहां पहुंचते हैं तो साइन अप करते हैं, और खाने के लिए टोकन लेना पड़ता है वो लेते हैं, और साइन अप करके फटाक से रनिंग रूम बेड वेड लगवाते हैं, जो कि हमारे लोग पहले सब कर चुके होंगे। बस सोना बाकी रह गया मेरा। तो बीच का जो काम है, मतलब जो रनिंग टाइम पे क्या क्या करते हैं, वो तुमको समझाऊंगा मैं कब, सुबह जगने के बाद।
अभी बस रनिंग रूम के मजे लेते हैं। हाय, तो मिलते हैं यार। आज तो बड़ा फास्ट फास्ट प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि अभी मैं जगा हूँ लगभग 10 बजे के आसपास और कॉल बुक मिल गया। तो प्रोसेस क्या है कॉल बुक का, उसके बाद का, जैसे मैं ऑन ड्यूटी के बाद का काम नहीं पता है, तो हमारा मेनली काम होता है सिग्नल कॉल आउट करना और स्पीड्स देखना कि मतलब कहीं कहीं पर होता है कि स्पेशल स्पीड है कि वहाँ पर 30 ही चलाना है, 60 ही चलाना है, तो वो चीज़ मेन चीज़ है। और लोगों को पहले गाना गा के जगाना होता है, अगर रात के टाइम पे लोको पायलट को नींद आ रहा है तो थोड़ा उनको जगाना है, और खुद नींद आ रहा है तो खुद वो जगाएंगे हमको, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। और अभी जैसे कि इधर से भी कॉल बुक मिल गया, तो यहाँ पे क्या है कि उधर पे एक है जो वो लोग कॉल करते हैं लॉबी से उनको, और वो लोग आके बोलते हैं कि भैया इतना इतना बजे आपका गाड़ी है। तो अभी मुझे जैसे मिल चुका है कॉल बुक कितने बजे का, अभी मुझे मिला है 12:45 का, और एक घंटे पहले यहाँ पे रूल है कि आके कंफर्म करते हैं, तो एक घंटे पहले आके ये लोग कंफर्म करेगा कि हाँ अब आपको जाना है। तो अभी 10:50 के आसपास हो रहा है और 12:45 का कॉल बुक मिल गया है मुझे। तो अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कंफर्मेशन कॉल मिले, यहाँ से पार्सल वार्सल के लिए बोल दिए हैं, और फिर से यहाँ अब आउटर स्टेशन में जाएंगे, साइन ऑन करेंगे। और रनिंग रूम का क्या है कि रनिंग रूम में मस्त आराम से मजे करो, वहाँ पे एक एंट्री बुक होता है, इसलिए लिखना पड़ता है कि वहाँ पे लिख दोगे तो उन लोगों को ढूंढने में आसानी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूम इधर है और 6-7 रूम उधर है, मतलब 12-15 रूम है। तो अगर तुम्हारे नाम का कॉल बुक आया तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ कहाँ पे सोए हैं, क्या किए हैं, तो उसके लिए एंट्री करना होता है, इतना काम होता है। और मेनली हम लोगों का काम होता है सिग्नल कॉल आउट करना, स्पीड देखना, ये सब चीज़ें, गाड़ी पहुँचाना, साइन ऑफ करना और आना। तो अब इधर से फिर से मैं साइन ऑन करने जाऊंगा, और यहाँ पे रूल होता है कि 8 घंटे का रेस्ट करना है हमको, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है तो कम हो नहीं होना चाहिए, 8 घंटे मिनिमम। तो अभी मुझे अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, तो अब बस मैं वेट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ मेरा बेड लगा हुआ है ये वाला, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और जैसे ही कन्फर्मेशन कॉल बुक आता है तो रेडी होने के साथ साथ मिलते हैं आप लोगों से। और यार कभी कभी मैं तुम लोग बोलता हूँ, तो देखो मैं सबको दोस्त भाई सब समझता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, तो उस चीज़ को सीरियस और बुरा मत समझा करो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम निकल जाता है यार, समझ रहे हो। तो मिलते हैं आराम से, खाना खाते टाइम, पार्सल लेते टाइम और रेडी होते टाइम। तो देखो मैं हो चुका हूँ रेडी, और अब बस जाना है मुझे, और अगला प्रोसेस है दोबारा साइन ऑन करना है। तो यहाँ से दोबारा साइन ऑन करना है और आगे कुछ नहीं, बस रेडी हो चुके हैं, खाना वाना खा चुके हैं, और पहुंच जाना है गाड़ी लेके पूर्णा। तो फुल प्रोसेस तो समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ और बताना बाकी है जो कि मैं पहुंचने के बाद बताऊंगा। मैं बैग वैग रेडी कर चुका हूं, तो मिलते हैं। तो देखो आ चुका हूँ मैं, और सेम गाड़ी ये वाला, और अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बस जाना है। साइन ऑफ कर दिया मैं, साइन ऑफ समझ रहा हूँ कि एक बार साइन ऑन करना पड़ता है सेम इसमें, उसके बाद जितना तुम घंटे में ऑफ करोगे वो। मैं कल रात के 9 बजे गया था, 8 बजे आ गया, मतलब टोटल 23 घंटे में आ चुका हूँ, और एवरेज यही रहता है 24, 35, 36 घंटे, मतलब एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर होता है तो 30 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी मैं 23 घंटे में वापस आ गया, और दोनों ड्यूटी लगभग लगभग 8-8 घंटे का ही हुआ था। तो ऐसा होता है हमारा ड्यूटी। और अब मैं साइन ऑफ करूँगा जब, तो इसके बाद 16 घंटे तक अगर मुझे कोई कॉल करता है तो मैं ये बोलूँगा रात रात तेरी माँ की रात, समझ गए। तो अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अब जाएंगे रूम पे, और थोड़ा सा काम तुमको दिखाता हूँ कि रूम पे अब जाने के बाद क्या करना पड़ता है मुझे। तो ड्यूटी ख़त्म, समझ रहे हो, ख़त्म 23 घंटे बाद।